بسم الله الرحمن الرحيم. पहाड़ों की सरजमीन कहलाने वाले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इस जनूबी शहर में दाखिल होते ही आपको सड़क के दोनों जानेब पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर वाकिया कोहाट शहर। कोहाट शहर का शुमार मुल्क के कदीम तरीन शहरों में होता है। कई जगहों पे इसे बरे सगीर पाको हिंद की सबसे पुरानी फौजी छावनी भी बताया जाता है। मकामी लोगों के बकौल कोहाट संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके मायनी है पहाड़ों की मंडी। ताहम बाज लोग ये भी कहते हैं कि कोहाट एक हिंदू राजा का नाम था जिसने इस शहर को पुराने वक्तों में आबाद किया था। सरजमीन कोहाट के वैसे तो कई रंग हैं, लेकिन औलियाए कराम के मकबरे भी इस शहर की पहचान बताए जाते हैं। इसीलिए कोहाट शरीफ में हजारों नेमतें मौजूद हैं, लेकिन साल 2023 के आते ही न जाने किसकी नज़र कोहाट को लग गई। कोहाट ने बयक 54 मदारिस के बच्चों के जनाजे उठाए जो कोहाट तांदर डैम में डूब गए थे। उसके बाद कोहाट टनल सफर करने वाली मुसाफिर वैन का हादसा हुआ जिसमें 18 से ज़ायद लोग जान बहक हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोहाट शरीफ की रौनकें दोबारा बहाल करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोहाट समेत हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम नागहानी आफतों से महफूज रखे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एक व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।